सृष्टि जो है वो मनुजी और शत्रुपा से प्रारंभ। आप देखो कि प्रकृति जो है वो शत्रुपा है। अगर पृथ्वी में किसी भी तरह का बीज डालोगे, अगर संतरे का बीज डालोगे तो फिर संतरा, केसर का बीज डालोगे तो केसर। शत्रुपा है प्रकृति। यहाँ जो बोया जाता है वो लाख गुणा द्विगुणित होकर प्रकट हो जाता है। मनु शत्रुपा जिनके पुत्र हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत, तीन पुत्रियां हुई आकूति, प्रसूति और देवहूति। आकूति प्रसूति का विवाह हुआ था दक्ष प्रजापति से, जिनके बहुत सारी कन्याएं हुई। 16 कन्या में से एक कन्या सती जी थी और एक उनकी पुत्री थी देवहूति, जिसका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ था। और कर्दम बड़े त्यागी थे, उन्होंने कहा कि मैं संतान एक हो जाएगी उसके बाद वनगमन करूंगा, लेकिन उनकी 9 पुत्रियां हुई। 9 पुत्रियां कर्दम जी ने 9 ऋषियों को ब्याही और बाद में कपिल भगवान का उनके घर में प्रादुर्भाव हुआ। और कपिल भगवान ने देवहूति अपनी माता को बहुत ज्ञान दिया। बड़े अध्यायों में कपिल आख्यान है, सांख्य शास्त्र की उन्होंने रचना रची। पूर्ण है यह, पूर्ण है वह, पूर्ण में से जब पूर्ण को निकाल दिया जाए तो जो शेष बचता है वो पूर्ण ही होता है। पूर्ण मदह पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। देवहूति ने कहा कि मैंने कितने भोग भोगे, क्योंकि इतना इतना सुंदर एक विमान कर्दम जी ने प्रकट कर दिया था। देवहूति के तप तितिक्षा से प्रसन्न होकर 9 पुत्रियों की मां बनी। और वो ऐसा अद्भुत विमान जिस पे उन्होंने न जाने ऐश्वर्य कितना भोगा, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र को दिल खोल लिया कि मेरा मन अभी भी संतुष्ट नहीं है। तो उन्होंने कहा, पिता पुत्र ने कहा, माँ संतों का संग करना चाहिए। तो वो बोली कि साधु को पहचानेंगे कैसे? तो उन्होंने कहा कि संत के कुछ लक्षण होते हैं, ततीक्षवाहा कारुणिका सुहृदेहा सर्वदेही नाम अजात शत्रवः शांताः साधवाः साधुभूषणाः। जिसके चित्त में तितिक्षा हो, देखो साधु वो नहीं है जिसने मात्र भगवा कपड़े पहने हैं, खाली वो ही साधु नहीं है, ये तो हमारी यूनिफॉर्म है ना। सब पुतले हैं हाड़ मास के, सब पुतले हैं हाड़ मास के, अंतर्निहित भाव होता है, कुछ उज्जवल आलोकित रवि से, कुछ में कुछ दुराव होता है, कोई दस्तावेज नहीं है इसको परिभाषित करने में। संत व्यक्ति या वस्त्र नहीं है, वो तो बस स्वभाव होता है, साधुता स्वभाव में होती है। प्रतीक्षा है, आप में धैर्य है, आप तप कर सकते हो। अगर आपको बैठने उठने की अनुकूलता नहीं है, जीने खाने पीने की अनुकूलता नहीं है, फिर भी आपके चित्त में उसके प्रति व्याकुलता नहीं आती, आप कहते हो ठीक है, जैसी शरीर हरि की इच्छा, जैसी हरि की इच्छा। प्रतीक्षा तप से मतलब है, कारुणी कहा। देखो साधारण व्यक्ति को भी, दयनीय व्यक्ति को देख के दया आ जाती है ना, कोई जख्मी हो तो आपको दया आ जाएगी, लेकिन दया कोई बड़ा श्रेष्ठ गुण नहीं है। करुणा, कारुणिका, करुणा आपके चित्त का सहज स्वभाव। और याद रखना शक्ति वालों, अगर आप में करुणा नहीं होगी ना तो उस जगह में क्रोध आ जाएगा। अगर आप में देने का भाव नहीं आएगा ना तो आप में कृपणता आ जाएगी। अगर आप में प्रेम नहीं होगा ना तो आप में द्वेष आ जाएगा, क्योंकि प्रकृति में खाली जगह कहीं रहती नहीं है। अच्छा नहीं होगा तो बुरे से वो जगह भर जाएगी। इसलिए सज्जन नेतृत्व नहीं करेंगे ना तो दुर्जन नेतृत्व करना शुरू कर देंगे। और सज्जनों का स्वभाव होता है कि वो पलायनवादी होते हैं, वो हट जाते हैं, वो कहते हैं कौन पड़े झंझट में। इसलिए आप देखोगे कि सज्जन फिर जो है हाशिए पे चले जाते हैं। ततीक्षवाह कारुणिका सुहृदा
सर्वदेही नाम। साधुओं के आभूषण है जी ये तितिक्षा। अभी किसी ने कुछ बोला नहीं, हजार गुना बोलना प्रारंभ कर देते हैं। अरे रुको, ठहरो, सुन लो, पहले सुन लो तब बोलो। नहीं, धैर्य नहीं है, फटाफट बोलना। और फिर ये भी पता नहीं चलता हम किसके सामने बोल रहे हैं। कई जगह बोलना उचित नहीं होता, लेकिन अगर धैर्य नहीं होगा, प्रतीक्षा नहीं होगी, अभी फटाफट उत्तर देना है। अजात शत्रुवः, ऐसा नहीं है कि साधु के शत्रु नहीं होते। अभी कौन सी वो जगह थी जहां साधुओं को पकड़ के मार डाला था? कौन सी जगह थी? है? बाल घर। कैसे कैसे पापियों ने पाल घर था जहां आत्मा सिहर गई थी, रोम रोम क्रोध से भर गया था कि साधु के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कैसे वो बिचारे अपनी सफाई दे रहे, और वो साधु बिचारे साकिंचन होता है। साधु साधु को चाहिए क्या होता है भाई? तन ढकने के लिए, सम्मान इज्जत ढकने के लिए लंगोटी चाहिए, और क्षुधा पूर्ति के लिए दो रोटी चाहिए। साधु आपसे क्या मांगता है? लेकिन अगर वो त्यागी है तो आप उसको उठाई गिरा समझ लोगे? कैसा घोर युग है ये, कितना विचित्र है ये, कैसा समय है। यहाँ यहाँ दुष्टों का आदर है और साधुओं के साथ ऐसा व्यवहार। ये मत कहिएगा कि साधु का कोई शत्रु नहीं होता। साधु के तो बहुत शत्रु होते हैं, पर साधु के चित्त में किसी के प्रति शत्रुता नहीं होती, नहीं। अभी मैं श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में मैंने बहुत देश में घूम घूम के काम किया। हिंदू समाज तो बड़ी सोई हुई जाति है, ये तो कुंभकर्ण जैसी जाति है, इसको जगाना कोई आसान थोड़ी है। और जगाने के लिए 12 साल लगा दिए हम लोगों ने, पूरे देश में घूमते फिरते थे। अरे भैया, हमारे राम लल्ला टाट में बैठे हैं, उनका भव्य मंदिर बनना चाहिए। आप अपने बाथरूम तो लाखों रुपए के बना लेते हो, और आपके आराध्य ऐसी दुर्दशा में बैठे हैं। तो इसलिए पूरे गली गली गांव गांव हम लोग घूमे, राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है। जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है। हमको तो काम बस राम जी के काम से, राम जी का मंदिर बनेगा धूम धाम से। यही यही तो वो नारा था। और हम जानते थे कि हिंदू समाज जो है, इसको जोड़ना है तो फिर जातियों के अहंकारों से बाहर लाना पड़ेगा। हिंदू जाति की तो वो हालत है जैसे वो एक पहलवान था, बड़ी दंड बैठ के लगाता था, पेड़ को पकड़ के झटका मारता था, पेड़ नीचे झुक जाता था, उसकी डालियां नीचे धरती को चूमने लग जाती थीं। बाद में पहलवान जी ने ब्याह कर लिया, 4-5 पुत्र हो गए, और एक दिन पुराने दिन याद आए तो चले गए खेतों में, पेड़ पकड़ के जैसे ही झटका मारा, और पेड़ की डाल तो झुकी नहीं, पहलवान जी ऊपर ही लटके रह गए। बड़े दुखी घर वापिस आए, पत्नी ने कहा क्या बात है, किसी से कहा सुनी हो गई, कुछ जेब वेब कट गई, क्यों इतने दुखी हो? अरे बोले तू बात मत कर, तेरी चक्कर में पड़ के मेरा सत्यानाश हुआ है। बोले जब कुआरा था तो पेड़ की डाल झुका देता था, अभी ऊपर ही लटका रह गया। पत्नी बोली अकेले क्यों गए, अपने 4-5 हट्टे कट्टे जवान पुत्रों को लेके जाओ ना। अब पहलवान अपने पुत्रों को लेके चले खेत में, जैसे ही पेड़ को पकड़ के झटका मारा तो डाल नहीं, पूरा पेड़ झुक के जमीन चूमने लगा। तो पत्नी कहती है पहलवान जी आपकी ताकत कहीं चली नहीं गई, आपके 4-5 पुत्रों में बट गई थी। और इसी तरह हिंदू जाति की भी ताकत कहीं चली नहीं गई है, पार्टियों और जातियों और भाषा और प्रांतों की राजनीति में बट गई है। मुट्ठी की तरह बंधोगे तो आज भी दिशाओं को झुकाने की सामर्थ्य आप में है। झुकाइए दिशाओं को, अपनी दिशा में ले जाइए। और याद रखना हिंदू जाति के बंधुओं, हालातों के सांचे में नहीं ढला जाता, हालातों को अपनी तरह पैदा किया जाता है। और स्वर्ग जाने के लिए कर्म नहीं किए जाते, धरती पर स्वर्ग उतारने का पुरुषार्थ किया जाता है। इसलिए वो जरूरी था, वो होना जरूरी था। सब्सक्राइब करें साध्वी रितंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।